सरकार ने पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां, स्पीकर का सीट छोड़ने का इंदिया आया। सादिक कहते हैं कि आप सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूं। सोचना है इस नशस्त पर रहना है या नहीं, आपको अंदाजा नहीं मुझ पर कितना दबाव है। बीजेपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें, ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से चार दिन पहले जो है जलसे में किया। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर CMKP जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कल यहाँ पे आर्टिकल 6 की बात हुई, मैं वाहिद मेंबर हूँ इस पार्लियामेंट की हिस्ट्री में जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगा था। अली अमीन गन्नापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान, वफाक पर हमला है। फाटा आसफ बरफ पड़े, कहा अली अमीन गन्नापुर ने मुल्की सलामती को खतरे में डाल दिया। PTI के दौर में अपोजिशन को दीवार से लगाया गया। मेरे दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे, अपोजिशन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की, असद कैसर का जवाब। कहते हैं अफगानिस्तान से बातचीत के लिए बड़ा जरका बनाने का फैसला किया, विपक्षी हुकूमत अहम रहनुमा शामिल होंगे। तौसी का अमल हर इदारे में गलत, अगर हक है तो पार्लियामेंट को भी तौसी दी जाए। फजलुर रहमान कहते हैं अदालतें सियासी गुरु बन चुकी, हुकूमत अपोजिशन अदालती निजाम में इस्लाहात लाएं, पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। PTI के गिरफ्तार रहनुमाओं की प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली इजलास में शिरकत, रहनुमाओं में जैन कुरैशी, शेख वकास, आमिर डोगर, मलिक अवैस, अहमद चट्टा समेत 10 सरकार शामिल, इजलास में शरीक हुए। तीन FIR मुख्तलिफ जगहों में हुई थी और मैंने कल बेल, ट्रांजिट बेल और प्रोटेक्टेड बेल जो है वो पेशावर हाईकोर्ट से लिया। अभी सितम जरीफी देखे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को यहाँ से उसके ऊपर भी FIR हुई। जो IG इस्लामाबाद ने कहा है कि जी जितने एक्शन हुए हैं वो स्पीकर नेशनल असेंबली के नॉलेज में थे और एज पर लॉ हुए थे, तो मैं IG इस्लामाबाद से पूछूंगा और मैं फिर स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है। पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ उसका क्या मतलब, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर कहते हैं सार्जेंट एटाम्स की मौतली नाकाबिल कबूल है, मुल्क का वज़ीर आज़म 72 घंटे से गायब है, क्या किसी को इल्म है कहाँ है। तहरीक इंसाफ ने सुबह होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया, सलमान अकरम राजा कहते हैं हुकूमत को कुछ वक्त दे रहे हैं, मजीद नहीं देंगे, जहां कानून ना हो वहां तरक्की नहीं होती। PTI का लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। मंशियात फरोशों को घरों से नहीं पकड़ा जाता जिस तरह असेंबली के अंदर से पकड़ा, अगर कुछ भी जमीर स्पीकर साहब का जिंदा है तो इस्तीफा दें, वरना कोई मेंबर उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश करे, एक मेंबर भी अदम एतमाद पेश कर सकता है, बेशक वो नाकाम हो जाए। और आज 50 अरब रुपए का 43.75 रुपए फी यूनिट पर और टीका लगा दिया है, मुर्दों को और मार रहे हैं, मरे हुओं को और मार रहे हैं। इस तरह तो मंशियात फरोशों को घरों से नहीं पकड़ा जाता जिस तरह असेंबली मेंबरान को असेंबली से पकड़ा गया। शेख रशीद का स्पीकर कौमी असेंबली से इस्तीफे का मुतालिबा, कहा ये मैसा के जमहूरियत नहीं मौत ए जमहूरियत करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI के गिरफ्तार अरकान का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया, एडवोकेट जनरल को नोटिस, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा साथ हो जाएगा, प्रोसिक्यूटर जनरल समाज सुबह तक के लिए मुलतवी। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला जेरे गौर है या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वास्ते जवाब मांग लिया, रिमांड दिए कि अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, ऐसा कुछ जेरे गौर हुआ तो केस का फैसला करेंगे। नया तोशाखाना केस, बानी PTI और बुशरा बीबी का दरख्वास्त जमानत पर जल्द फैसले के लिए अदालत से रजू, जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर जल्द फैसले की इस्तदा, दरख्वास्त में स्पेशल जज सेंट्रल बतौर फरीक शामिल।